अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना बंगाल की खाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साइक्लोन 24 अक्टूबर को आधी रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह पूर्वी तट से टकराएगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूर्वी में 3,000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। होटल की बुकिंग 4 दिन रोक दी गई है। ओडिशा में 14 जिलों के सभी स्कूल कॉलेजों की 25 तक छुट्टी भी कर दी गई है, जबकि कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द हो गई है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट पंकज शर्मा 7th NDRF भटिंडा से आया हूँ साइक्लोन दाना के डिप्लॉयमेंट के लिए। सर आज स्पेशल फ्लाइट से आपकी टीम? हाँ जी, हाँ हमारी पांच टीम है हमारी, और हम टोटल 150 प्लस की स्ट्रेंथ है, हमारी 152 की स्ट्रेंथ है, और हम आज सीधा भटिंडा से भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आए हैं और फर्दर आगे हम 5 डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय होंगे। सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, हम जो डिस्ट्रिक्ट हमें अभी डिप्लॉय हुए हैं वो पूरी जगतसिंहपुर, कंद्रापाड़ा, भद्रा और जजपुर। क्या क्या इक्विपमेंट है हमारे पास जो साइक्लोन से रिलेटेड, साइक्लोन रेस्क्यू से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और फ्लड वाटर रेस्क्यू से जो स्टैंडर्ड हमारे इक्विपमेंट्स है NDRF हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम वो सभी इक्विपमेंट्स कैरी कर रहे हैं, और हमारा जो मेन टास्क है वो रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना है। जो भी साइक्लोन से जो भी डैमेज होगा उस डैमेज को जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी लोकल की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है टीम वहां रिस्पॉन्ड करेगी। हमारा मेन जो टास्क है, जो हमारा मेन है वो लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा। सर आपकी टीम में महिलाएं भी हैं? हाँ, हमारी टीम जैसे अब डिजास्टर है तो डिजास्टर में ये तो है नहीं कि भाई जो अगर महिला विक्टिम्स हैं तो उनको उनकी प्राइवेसी और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम में सभी टीमों में महिला रेस्क्यूअर्स हैं। हमारे पास उससे रिलेटेड हमारे पास पेट्रोल ऑपरेटेड चैंसा, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो है गैसोलीन इक्विपमेंट्स सभी हैं, और जिस तरह की भी कंडीशन होगी हमारे पास हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। सर्विस डिपार्टमेंट भी पूरा तैयार है, उनका ट्रेनिंग भी खत्म हो गया है, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो जरूरी चाहिए लोगों को मदद करने में वो सब उपलब्ध है। आज से डिप्लॉयमेंट शुरू होगा, ODRF का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, NDRF वाले भी बैकअप सपोर्ट के लिए हर एक जगह में पहुंच रहे हैं, वल्नरेबल जगह में पहुंच रहे हैं। ये फायर सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी इक्विपमेंट्स लेके एवं और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लेके पानी में कैसे काम कर पाएंगे, डाइवर्स भी जाएंगे और उनके साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट कंक्रीट को काटने के लिए, लोहा को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए जो लेटेस्ट इक्विपमेंट दुनिया में है उसको लेके जा रहे हैं, सब ट्रेनिंग है। मेरा सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आज से डिप्लॉयमेंट शुरू होगा, ये लोग जाएंगे उड़ीसा के लोगों का सुरक्षा कवच ये लोग बनेंगे, उनको हर एक मदद जो चाहिए उनको करेंगे और सुरक्षित